हेटो डिप्टी कमिश्नर गुलाम फारूक सुमरोजी सिदरत हेटे दरबार हाल मकली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट क्वेटा पारा छठी मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स के सेक्रेटरी ऑफिसर से मुश्तमिल वफद की गडजानी मुनक़िद थी। वफद के ठठे जिले की तारीख सकाफत तरक्याती मनसूबन तालीम सेहत एन इंतजामी मामलों बाबत तफसीली ब्रीफिंग डींदे डिप्टी कमिश्नर चौधरी ठठो सिंध जो कदीम ए पुरामीन जिलो होने सबब कडो माजी में इल्म अदब जो मरकज बने रो है। उन्होंने तो ठठे की तारीख न रुगो हजारे साल पुरानी है पर माजी में सिंध की राजधानी इस्लाम की शुरुआत इतना थी जै सबब ठठे के बाबुल इस्लाम जो लकब पिण हासिल है। डिप्टी कमिश्नर वफद के बुधायो त माजी में ठठे जा सहली इलाका केटी बंदर शाह बंदर ए देबल बंदरगाह कारोबार के लिहाज का अहम रहा है जडे त यूरोपीय एशिया मुल्क जो कारोबार भी इतना खाद हो। डिप्टी कमिश्नर गुलाम फारूक सुमरो मेहमान के जिले में हलदड़ तरक्याती मनसूबन बाबत ब्रीफिंग दीदे चो तो जिले इंतजाम पारा जिले के तरक्की ए अवामी भलाई से खास ध्यान दिनों पे वे जी अवाम के घुर्बल बुनियादी सहूलतूँ फ्राहम कर सकजन। उन्होंने तो जिले में तालीम की बेहतरी ला कदम खाया पाया वन उन सिलसिले में सिंध हुकूमत की मंजूरी से इतने IBA ए सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस जड़ा इदारा कायम किया गया है। उन मौके से वफद डिप्टी कमिश्नर का मुख्तलिफ मसलन से सवाल पूछा जिनका डिप्टी कमिश्नर इत्मीनान बख्श जवाब पिण दिना। वफद डिप्टी कमिश्नर की ब्रीफिंग ए तावन से शुक्र अदा किया इदारे तरफा शील्ड पिण पेश कई जैसे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन रियाज हुसैन लगारी आयल मेहमान की शील्ड सिंधी टोपी ए अजरक च तोहफा पेश कया। उन अग वफद मकली कब्रस्तान शाहजहान मस्जिद टीजर बम्बोर ए बेन तारीखी मागन जो पिण दौरों हो।